हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सिडको लॉटरी 2018 से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं जो लगने वाले हैं, या फिर कह लो अदर चार्जेस जो लगने वाले हैं, वो अभी तक माफ नहीं हुए हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये माफ नहीं किया जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि लास्ट डेट तो आने ही वाली है। जून एंड में लास्ट डेट है सारे इंस्टॉलमेंट्स भरने का। जो ये डेट थी ये बढ़ाई गई थी, ये एक महीना एक्सटेंड किया गया था, और लेकिन अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है मेंटेनेंस चार्जेस या अदर चार्जेस को लेके कि ये माफ़ किया गया है। तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको 50 to 60,000 भरना पड़ेगा। बट फ्रेंड्स, आप लोगों में से कई लोगों को ये सवाल था, मैंने कमेंट बॉक्स में देखा था, बहुत लोग डाउट में थे कि मेंटेनेंस चार्जेस भरने के बाद, सारे इंस्टॉलमेंट्स भरने के बाद, आखिरकार आगे का जो प्रोसेस है वो कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इन्हीं सब के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सारे इंस्टॉलमेंट भरने के बाद, अदर चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस भरने के बाद, आपके घर पे आपको एक नोटिस सेंड किया जाएगा। सिडको ऑफिस से एक लेटर सेंड किया जाएगा। अब ये लेटर आपको मेल के थ्रू भी मिल सकती है अगर आपने अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है, नहीं तो आपके एड्रेस पे ये लेटर आ जाएगा। और उसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया होगा, डेट दिया गया होगा कि इस दिन आपको सिडको ऑफिस आना है। अब क्योंकि पैंडेमिक है, मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये सब जो प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि साथ में सबको बुला नहीं सकते। तो सबको एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा कि इस डेट को आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे सिडको ऑफिस आना है। अब जब आप सिडको ऑफिस जाएंगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं उसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ मैं। तो सबसे पहले आपका जो ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर है, जब आपका नाम आया था तो आपको एक लेटर मिला होगा, वो आपको अपने पास रखना है, वो आपको लेके जाना है। और आपको अपना सारा पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज दो फोटो ले लीजिएगा, आप एक्स्ट्रा 4 फोटोज रख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है, आधार कार्ड लेके जाना है आपका, तो एड्रेस प्रूफ आपका ये हो गया। और इसके साथ ही साथ आपको आपने जो इंस्टॉलमेंट्स पूरी पे की है उसकी रिसिप्ट होगी, मतलब उसका प्रूफ होगा आपके पास, तो आपको वो लेके जाना है। मेंटेनेंस चार्जेस जो आपने भरे हैं उसका प्रूफ होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सिडको के ऑफिस लेके जाने हैं। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाके आप सिडको ऑफिस में सबमिट करेंगे और वहां पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। अब इसके बाद सिडको ऑफिस से आपको एग्रीमेंट का लेटर मिलेगा, स्टैम्प ड्यूटी का फॉर्म मिलेगा, और उसके साथ ही साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत EWS और LIG वालों को जो स्टैम्प ड्यूटी है वो सिर्फ 1,000 रुपीज लगेगी, तो उसका भी एक आपको लेटर मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का कि आपको जो स्टैम्प ड्यूटी देनी है वो 1,000 रुपीज देनी है। तो आपको ये तीन चीजें मिलेगी, ये तीनों चीजें आपको अपने पास रखनी है, और इसके बाद ये तीनों चीजें आपको लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है स्टैम्प ड्यूटी भरने के लिए। तो आप ये तीनों चीजें जब रजिस्ट्रार ऑफिस लेके जाएंगे, वहां पे दिखाएंगे, तो आपको वहां पे 1,000 रुपीज स्टैम्प ड्यूटी देनी है, और ये सब प्रोसेस के बाद फाइनली आपको पोजेशन लेटर दिया जाएगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पोजेशन लेटर होंगे ये टोटल 4 होंगे। एक तो आपके पास जाएगा पोजेशन लेटर, दूसरा जो है वो सिडको हाउसिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगा, तीसरा जो है वो सिडको अकाउंट डिपार्टमेंट के पास जाएगा, और जो चौथा है वो आपका जहाँ पे बिल्डिंग बना है वो साइट के ऑफिस में जाएगा। अब इन सब चीजों के बाद आपको फाइनली अपना पोजीशन लेटर की कॉपी जो है वो लेके आपको अपने साइट पे जाना है, जहां पे आपकी बिल्डिंग है, जहां पे आपका फ्लैट है, तो वहां पे ऑफिस होता है, नीचे ग्राउंड लेवल पे आपको ऑफिस होगा, वहां पे आपको सबमिट करना है। वहां का जो JE है वो आपको अपने फ्लैट में ले जाएगा, और वहां पे आपको एक चेकलिस्ट दी जाएगी, मतलब चेकलिस्ट मतलब आपको आपका जो घर का क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने पहले वीडियो में बताया था कि हमने कंप्लेन की थी कि हमारी खिड़कियां अच्छी नहीं थी और सीपेज की प्रॉब्लम थी, सिंक्स टूटे हुए थे, टाइल्स टूटी हुई थी। तो ये सारी चीजें आपको फाइन तरीके से चेक करनी है कि मतलब जो भी क्वालिटी मतलब है चीजों की वो अच्छी है कि नहीं, जो चीजें लगाई हैं वो टूटी फूटी हैं, या फिर अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो फुली तरीके से तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप आगे मतलब प्रोसेस में जा सकते हो, आप ओके बोल के आगे का प्रोसेस कर सकते हो। अब सपोज आप सेटिस्फाई नहीं हुए उनके काम से, आपको काफी कमियां नजर आ रही है,
तो प्लीज फ्रेंड्स चुप मत रहिए। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप लोग अपने हक के लिए आवाज उठाइए, आप लोग कंप्लेन करिए, जो भी आप लोगों को कमियां लग रही है मेक श्योर वो सारी चीजें आप शिफ्ट होने से पहले आप कहिए कि मैं पोजीशन नहीं लूंगा या लूंगी जब तक ये सारी चीजें मेरी जो भी डिमांड है मेरा वो कंप्लीट नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको टाइल्स टूटी हुई है तो आप उसके लिए कंप्लेन करिए, जब तक वो नई टाइल्स और अच्छी क्वालिटी की चीजें आपके घर में नहीं लगाते जिससे आप फुल्ली सेटिस्फाई हैं तो आप तब तक वो पोजीशन मत लीजिए। तो मेरा यही कहना है फ्रेंड्स कि आप इन सब चीजों को जरा बारीकी से समझिए और बारीकी से देखिए अपने घर को, आपका जो फ्लैट है अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसके लिए आवाज उठा सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं और ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताई है। लेट्स से अगर आप यहाँ पे फुल्ली सेटिस्फाई हैं तो इसके बाद जो जेई है आपको एक पोजीशन स्लिप दे देगा। अब जो फाइनल प्रोसेस है उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा एमएससीबी में। तो एमएससीबी का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। आपको वहां पे जाके एक फॉर्म भरना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, आपको मीटर बॉक्स की जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको एंड में करनी पड़ेगी। फाइनली आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, नीचे मीटर बॉक्स लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आप अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास जो मैंने आप लोग तक पहुंचाई है, जितना भी मुझे पता था मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा कि आप लोगों को क्या क्या चीजें कैरी करनी है जब आप सिडको ऑफिस जाएंगे और आगे के प्रोसीजर्स कैसे करने हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, आप लोगों की एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।